हेलो फ्रेंड्स, मुझे राकेश परोड़ा आपको वेब सक्सेस को स्वागत जनाऊँ। आज हम पढ़ा बायोलॉजी पार्ट टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा, द एलिमेंट व्हिच इज द मोस्ट अब्यूडेंट इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर में एम भितर कौटा अधिक परिमाण देखा जाए। आंसर हूँ ऑक्सीजन, प्राय 65% आम ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन थाए 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम, आमर जो फोटोसिंथेसिस टाइम गच्छ जो फोटोसिंथेसिस करे से ऑक्सीजन रिलीज करे, तो से ऑक्सीजन जो रिलीज करे से कौटू आसी था, सेटा वाटर आसी था, पानी पानी को पानी आसी था सी एच टू ओ, पानी फॉर्मूला एच टू ओ, एच टू ओ रो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रे बाहरी, तो यू ऑक्सीजन ही बाहरी था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन रे एम भर कौटा यूज करा जाए ना। आंसर हूँ वेजिटेबल, ऑयल सीड यूज करा जाए, पल्सेस यूज करा जाए, माइज यूज करा जाए, किंतु वेजिटेबल यूज करा जाए ना। हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन, आम सेक्स हार्मोन किए डिस्कवर्ड करते, ऑप्शन गुड़िक डेरेजर, यूगेन, यूजेन स्टेनिच, एडवर्ड क्लेव, सैमुअल कोचिन। तो आंसर हूँ यूजेन स्टेनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, जो फर्मेंटेशन हुए से प्रोसेसटा से ऑर्गेनिक, आम जो जी ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से डिकम्पोजिशन को कहुए, तो सेटा केमी डिकम्पोजिशन होता है। आंसर हूँ फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एंजाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम व्हिच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, आम ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स आम जो पार्ट्स अच्छे से सेल रु या स्टेम सेल। अदर एंड मुकोएड अल्कलाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लिविंग ऑफ स्टोमाक, आमर स्टोमाक इनर पार्ट रे, इनर लिविंग पार्ट रे आमर थाए मक्यूड अल्कलाइन सब्सटेंस, तो से कौन करे, से करे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ मकुसा, मकुसा रे आमर जो पेप्सिन थाए तार एक्शन को से रखे बंद कर दे थाए। द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू, आमर जीभ रो भागटे ना आम से टेस्ट कर पारे ना, सेंसिटिव से नुहे, कौ पार्टा पोस्टीरियर पार्ट मान भीतर पार्टा। एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर, एमनियोसेंटेसिस कौन, एमनियोसेंटेसिस हो डिटरमिनेशन ऑफ फैटल हेल्थ कंडीशन, आमर फैटल हेल्थ कंडीशन डिटरमाइन करिया भाई एमिनोसिड एमनियोसेंटेसिस मेथड यूज करा जाए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैस इज, आम फोटोसिंथेसिस टाइम रे को गैस बाहर थाए, फोटोसिंथेसिस टाइम रे ऑक्सीजन बाहर थाए, और रेस्पिरेशन टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी ब्लड ब्लड कोआगुलेशन, मानक भितर कोटा ब्लड कोआगुलेशन माने रक्त जमाट बांधे कौटे सहाय करे प्लेटलेट। व्हिच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, एम भर कौटे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौटा होता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक होता पेनिसिलिन। वायरस कंटेन्स, वायरस वायरसटा आम कौरे तैयारी होता है प्रोटीन आउ लिपिड, वायरस देह प्रोटीन आउ लिपिड था। भाई व्हिच द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, मैं गोटे पिला जन्म हाँ पूर्व आम कमी तार सेक्स डिटरमिनेशन कर, तो फोटस ऑफ ए मदर, मदर रो फोटस रु। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मान भल न काम करें मैंने कौन डेफिशिएंसी था, कौन अभाव जो आम थायराइड ग्लैंड भल काम करें, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन। हाउ मेनी फीट हाज ए क्राब गॉट, गोटे कंकड़ कतोटी गोड़ थाए, कंकड़ आठटी गोड़ थाए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन, ओनली इज ओमेन,
ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଓଭାରୀ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି। ଉଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ କି ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କିଡ଼ନୀର ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହଁ। ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପିଏଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେବ କିଡ଼ନୀ କାମ କରେ। ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ମେଟାବୋଲିକ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବି କିଡ଼ନୀର କାମ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କାମ କରେନି। ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼, ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର ବି ରେଗୁଲେସନ୍ କରେ କିଡ଼ନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କରେ ନାହିଁ କିଡ଼ନୀ। ୱାଟର ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଏ, ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମର ୱାଟର କାହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଫୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା, ୱାଟର ଜାଇଲେମ୍ ଫୁଡ଼ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ୱେର୍ ଆର୍ ଦ ୟୁକ୍ଲିପ୍ଟସ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ୟୁକ୍ଲିପ୍ଟସ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରିର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦୋଡ଼ାବେଟା, ଆଉ ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି, ଆଉ ନୀଳଗିରିର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦୋଡ଼ାବେଟା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ଆନାଇମୁଡ଼ି। ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହରମୋନ୍ ଇଜ୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ସେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଧିକ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍। କ୍ଲୋଭ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲୋଭ୍, ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତ କ୍ଲୋଭ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବଡ଼, ଗୋଟେ ଫୁଲର ଯେଉଁ ପାଖଟା ଥାଏ, ଫୁଲର ଏମିତି ପାଖଟା ଥାଏ, ଏଇଟା ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇ ଫୁଲର ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବଡ଼ଟା ହେଉଛି କ୍ଲୋଭ୍। ଗୁଜୁରାତି, ଗୁଜୁରାତି ହେଉଛି କ୍ଲୋଭ୍, କ୍ଲୋଭ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଫୁଲର ଏଇ ପାଖଡ଼ାଟି। ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼ କରପ୍ ସ୍କେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଡିଜିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଥାଏ, ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ ବଡିଜ୍ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ବଡ଼ିର ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବର ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଓଭମ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଓଭମ୍ରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେତେ, 46 ବା 23 ପେୟାର। ହାସିସ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅପ୍ଟେଣ୍ଡ, ହାସିସ୍ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେଉଁ ପାର୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ, ମାନେ ପତ୍ରର ପାଖଡ଼ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସରୁ ବାହାରିଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡ଼ି ନେଭର୍ ରେଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ବଡ଼ିର କେଉଁ ପାର୍ଟ ଆମର କେବେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ ନାହିଁ, ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହାର୍ଟ। ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ। ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସେସ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଫିଡ଼ିଂ ସେଲ୍ଟର ସେଲ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍, ଆମର ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଲ୍ଟର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଆନିମଲ୍ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ମାନେ ଆନିମଲ୍ ନୂଆ ସ୍ପେସିସ୍ ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ ସାଇନ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଡୱାର୍ଡ ଜିନର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ଏଡୱାର୍ଡ ଜିନର କେଉଁଥିରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ବକ୍ସରେ, ଫାଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ବି ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ, ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜିନର। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା, ପପାୟା, କୋକୋନଟ୍, ପିପଲ୍, ହାବିସ୍କସ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍, ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ। ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ୱିଲିୟମ୍ ହାରଭେ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନୁହେଁ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନୁହେଁ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଫୁଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ ବାଇ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରେଗୋର ଜାହାନ୍ ମେଣ୍ଡେଲ। ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ
ह्यूमन बॉडी रे हमर लॉन्गेस्ट बोन कोटा थाई बोन जाको फ्यूर कह जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन है मानो भीतर प्रोटीन अधिक कोथरे थाए सोयाबीन रे अधिक प्रोटीन थाए। वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सारस स्टार्ट सारस कोटी एबे न्यू स्टार्ट है निमोनिया रो गोटे न्यू फॉर्म चाइना रे स्टार्ट है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग रो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट केते 33। ऑन द एवरेज व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी रे केते परसेंट थाए 65% थाए। बीसीजी वैक्सीन इज टू बी गिवन टू ए न्यूबॉर्न चाइल्ड माने बीसीजी वैक्सीन टा हमरो केते बेले दे जे न्यूबॉर्न चाइल्ड हमरो जते नुवा पिल्ला जन्म होय सेते बेले बीसीजी सेंटर हमरो केते बेले दिया जाए विदिन 48 आवर्स दे दिन भीतर 48 घंटा भीतर। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज कॉल्ड हॉर्स और डंकी भीतर हाइब्रिड हेला त कोन कहे छे म्यूल कहे छे। ग्लॉकोमा इज अ डिजीज ऑफ द ग्लॉकोमा कोट को डिजीज कुडी द आई रहे थे आखिर। द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक्स इज कॉपर सल्फेट आमर जो टंकी मानक फंगस लगी जाए से हटाप कॉपर सल्फेट यूज करा जाए। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर का कैडमियम डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिहाइड्रेशन कम डेफिशिएंसी ऑफ वाटर वाटर कमिया जो डिहाइड्रेशन होता है। अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम डीएनए फर्स्ट के फर्स्ट एनालाइज की करथिले वाटसन एंड क्रिक। अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मानक भितरु बैक्टीरियम मोलुसा प्लाज्मा वायरस ईस्ट मानक भितरु के सबटु स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कार अछि बैक्टीरियम। यानिंग अकर्स हमरा हाई कम पे हुए हाई जो मरंती त कम पे हुए ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक ब्लड रे हेगले हमरा हेबो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव अ ब्रेन एमानक भीतर एना को लिविंग बीइंग रो हमरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन थाए किंतु तार ब्रेन न थाए। आंसर होची स्टारफिश। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन एमानक भीतर ब्लड कोएगुलेशन कोएगुलेशन के करते हैं विटामिन के विटामिन के आंसर राइट ही ऑप्शन नाइन विटामिन के। तो आज ये 50 क्वेश्चन जदि भल लगी लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ये रेलवे और एस एस सी एम विभिन्न मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आग को आसो तेणु आपति सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी दबाई दिखाँ से प्रथम नोटिफिकेशन आपर एग्जाम भलपर। थैंक यू।